हाय फ्रेंड्स वेलकम अगेन ऑन क्लासेस आहा तो आज हम कुछ और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे पहले कुछ डिग्रीज फाइंड आउट करेंगे चलो फटाफट -फड़ से प्रोसीड कर देते हैं बहुत सिंपल सी चीजें हैं साइन 18 कॉज 18 साइन 36 सिक्स कॉज थर्टी ये चार वैल्यूज फाइंड आउट करनी है हमको अच्छा साइन सेवनटी तो कॉज एटीन के इक्वल होगा ऐसी कॉज सेवेंटी टू साइन एटीन के इक्वल होगा अच्छा भाई क्यों होगा बहुत सिंपल है देखो साइन 72 डिग्री को आप लिख सकते हो साइन पाई बाय टू माइनस एटीन नाइन्टी माइनस एटीन अब पाई बाय टू है तो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंजिस साइन का हो जाएगा कॉज तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा तो इसलिए साइन 72 डिग्री इज इक्वल टू कॉज एटीन डिग्री ठीक है तो 72 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है वो 18 डिग्री से ही आ जाएंगी अब सबसे पहले 18 डिग्री लेते हैं तो लेट थीटा इज 18 डिग्री तो वी कैन सी है फाइव थीटा इज 90 डिग्री भाई थीटा 18 है तो फाइव थीटा 90 डिग्री हो जाएगा इसको फाइव से मल्टीप्लाई कर दो तो। फाइव थीटा कैन बी रिटर्न एज टू थीटा प्लस थ्री थीटा तो इट कैन बी रिटर्न एज टू थीटा इज इक्वल टू नाइनटी माइनस थ्री थीटा टेकिंग साइन टू बोथ साइड ये आप लिख देना तो साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन नाइंटी माइनस थीटा अब साइन 90 माइनस थीटा अभी आप ये आपने सीखा कॉस टू कॉस थीटा होता है तो दैट वुड बी कॉस थ्री थीटा वाओ अब फॉर्मला लगाओ जरा साइन टू थीटा इज ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थ्री थीटा इज फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा सारी टर्म्स एक साइड लियाओ तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा माइनस फोर कॉस क्यूब थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा इज जीरो नौ कॉस थीटा कॉमन तो ट्वाइस ऑफ साइन थीटा माइनस फोर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस थ्री इज जीरो ठीक है अब सबसे पहले इस कॉज स्क्वेयर को आप लिखो वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा तो ट्वाइस ऑफ साइन थीटा तो इसको आप लिख सकते हो माइनस फोर से मल्टीप्लाई करोगे माइनस फोर प्लस फोर साइन स्क्वेयर थीटा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये तो माइनस फोर प्लस साइन स्क्वेयर थीटा आएगा मैं इसी स्टेप में लिख रहा हूं आप नीचे लिखोगे ठीक है तो माइनस फोर और प्लस थ्री दैट वुड बी माइनस वन तो कॉस थीटा फोर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस टू साइन थीटा माइनस वन इज जीरो अब या तो ये वाला पार्ट जीरो है या ये वाला पार्ट जीरो है इफ थीटा इज जीरो तो थीटा कितना होगा थीटा वुड बी जीरो ठीक है जी तो अगर थीटा जीरो है तो थीटा वुड बी बाय बाय टू बट थीटा इज एटीन डिग्री सो थीटा कांड बी पा बाय टू सो कॉस्थीटा कांड बी जीरो क्योंकि अगर थीटा एटीन डिग्री है तो कॉस्थीटा जीरो नहीं हो सकता इट मींस दिस पार्ट इज जीरो नॉ इट्स अ क्वाडिटिक इक्वेशन तो फोर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस टू साइन थीटा माइनस वन इज़ जीरो इसमें जो साइन थीटा है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइन थीटा को एक्स से रिप्रेजेंट करूं तो दैट वुड बी फोर एक्स स्क्वे प्लस टू एक्स माइनस वन इज़ एजीरो ऐसे होगा तो नाउ एक्स इज इक्वल टू तो इसमें ए कितना है फोर बी कितना है टू सी कितना है माइनस वन तो एक्स मतलब साइन थीटा माइनस बी तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी तो बी स्क्वेयर फोर ए सी अपॉन टू ए तो थीटा इज 18 डिग्री तो प्लस माइनस सोला प्लस सोला चार सोलह और चार बीस बीस को आप लिख सकते हो फाइव इंटू फोर तो दैट वुड बी माइनस प्लस माइनस फोर टू आ जाएगा फाइव एज इट इज कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो साइन एटीन डिग्री इज माइनस वन प्लस माइनस रूट फाइव अपॉन फोर अब इसकी दो वैल्यूज हैं इट हैज टू वैल्यूज पहली माइनस वन माइनस रूट फाइव बाय फोर और माइनस वन प्लस रूट फाइव बाय फोर मतलब जिसको आप रूट फाइव माइनस वन फाइव फोर भी लिख सकते हो ठीक है अब ये जो है ये नेगेटिव आ रहा है और ये जो है ये पॉजिटिव है अब 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 90 डिग्री से छोटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती इसका मतलब साइन 18 डिग्री की वैल्यू होगी रूट फाइव माइनस वन बाय फोर ओहो तो साइन 18 डिग्री इज रूट फाइव सॉरी इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं साइन 18 डिग्री इज रूट फाइव माइनस वन बाय फोर ठीक है जी साइन 18 डिग्री तो आ गया भाई अब निकालेंगे कॉज 18 डिग्री तो बहुत सिंपल था दोबारा से देखते हैं तो थीटा इज 18 डिग्री फाइव से मल्टीप्लाई करा फाइव थीटा इज 90 टू थीटा प्लस थ्री थीटा थ्री थीटा, थीटा उधर टेकिंग साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा साइन टू थीटा और कॉस 3 थीटा का फॉर्मुला लगा दो तो। लगा दिया दोनों को इधर लाओ थीटा कॉमन कॉस स्क्न माइनस साइन सा सॉल्व किया ये आया अब या तो कॉस्थीटा जीरो है या ये पूरा पार्ट जीरो, है। थीटा अगर जीरो तो थीटा की वैल्यू पाई टू या उससे आगे आएंगी लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि थीटा तो एटीन डिग्री है तो थीटा जीरो नहीं हो सकता ठीक है न फोर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा माइनस वनो अगर मैं साइन थीटा को एक्स लिखूं तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें एक्स स्क्वे का कोफिशियंट ए होता है एक्स का कोफिशियंट बी और जो कॉन्स्टेंट होता है वो सी होता है तो एक्स मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए और उसमें भी दो वैल्यूज आई तो एक वैल्यू को मैंने नेग्लेक्ट क्यों करा वो आप पेपर में लिखना पड़ेगा अगर ये आता है पेपर में तो अब साइन एटीन डिग्री आ गया रूट फाइव माइनस वन बाय फोर अब हमें फाइंड आउट करना है कॉज 18 डिग्री हो जाएगा तो कॉज स्क्वेयर थीटा इज वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा तो कॉज स्क्वेयर 18 डिग्री इज वन माइनस साइन स्क्वेयर 18 डिग्री तो कॉज स्क्वायर एटीन वन माइनस तो रूट फाइव माइनस वन बाय फोर का होल स्क्वायर तो कॉज स्क्वायर एटीन डिग्री वन माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अपॉन फोर का स्क्वायर इज सिक्सटीन ठीक है जी तो कॉज स्क्वायर एटीन इज सिक्सटीन एलसीएम ले लो तो सिक्सटीन माइनस अब ये फाइव हो जाएगा ये वन हो जाएगा फाइव प्लस वन सिक्स तो माइनस सिक्स और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस प्लस टू रूट फाइव ठीक है जी तो कॉज स्क्वेयर एटीन इज टेन प्लस टू रूट फाइव बाय सिक्सटीन अब ये स्क्वेयर इधर जाके अगर मैं अंडर रूट लगाऊं तो ऊपर भी अंडर रूट और नीचे भी अंडर रूट तो टेन प्लस टू रूट फाइव अपॉन फोर दैट इज कॉज एटीन डिग्री तो अगेन अंडर रूट सॉल्व होगा तो प्लस माइनस की दो वैल्यू आएंगी लेकिन नेगेटिव वैल्यू नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ मैंने पॉजिटिव वैल्यू लिखी है आप लिख देना है ना ठीक है तो अंडर रूट टेन प्लस टू रूट फाइव बाय फोर कॉज एटीन अंडर रूट टेन प्लस टू रूट फाइव अपॉन फोर ठीक है अब साइन थर्टी सिक्स और कॉज थर्टी सिक्स ठीक है सिंपल है बहुत सिंपल है समझो जी कॉस टू थीटा इज वन माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वेयर थीटा तो कॉस टू इंटू एटीन वन माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वेयर एटीन तो ये हो गया कॉस थर्टी सिक्स डिग्री साइन स्क्वेयर एटीन डिग्री अब साइन स्क्वेयर एटीन तो साइन स्क्वेयर एटीन को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा ये आ रहा है फाइव प्लस वन सिक्स माइनस टू रूट फाइव अपॉन सिक्सटीन तो सिक्स माइनस टू रूट फाइव अपॉन सिक्सटीन ये आ रहा है तो सबसे पहले तो टू से कैंसिल करो फिर दोबारा टू कॉमन लेके कैंसिल कर लो तो टू कॉमन लूंगा तो थ्री माइनस रूट फाइव बाय एट फोर बचेगा तो फोर माइनस थ्री प्लस रूट फाइव अपॉन फोर एल्सियम ले लिया और माइनस से दोनों साइन चेंज कर दिए थ्री माइनस का हो जाएगा रूट फाइव प्लस का हो जाएगा तो रूट फाइव प्लस वन तो रूट फाइव प्लस वन बाय फोर तो कॉस थर्टी सिक्स इज रूट फाइव प्लस वन बाय फोर आह अब साइन थर्टी सिक्स निकाल लेते हैं ठीक है जी तो साइन स्क्वेयर थीटा इज वन माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा तो साइन स्क्वेयर थर्टी सिक्स डिग्री इज वन माइनस कॉज स्क्वेयर थर्टी सिक्स डिग्री तो कॉस स्क्वेयर थर्टी सिक्स दैट इज रूट फाइव प्लस वन बाय फोर का स्क्वेयर तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेर प्लस टू ए बी अपॉन सिक्सटीन तो फाइव प्लस वन इज सिक्स प्लस टू रूट फाइव बाय सिक्सटीन तो टू कॉमन लेके अगर आप कैंसिल करते हो तो ये आएगा टू बढ़ जाएगा यहां से थ्री हो जाएगा और अपॉन में एट रह जाएगा सिक्सटीन कैंसिल हो जाएगा ना टू से एट रह जाएगा ठीक है एलसीएम एट माइनस थ्री माइनस रूट फाइव बाय एट ठीक है थर्टी सिक्स है रूट फाइव प्लस वन बाय फोर ठीक है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अपॉन सिक्सटीन सिक्स प्लस टू रूट फाइव अपॉन सिक्सटीन ठीक है ठीक है ओके okay. और अगर मैं इसको एज इट इज रहने दूं क्योंकि फिर बाद में थोड़ी प्रॉब्लम्स कम होंगी मैं इसको लिखता हूँ वन माइनस सिक्स प्लस टू रूट फाइव बाय सिक्सटीन एल्सियम ले लो सिक्सटीन माइनस सिक्स माइनस टू रूट फाइव बाय सिक्सटीन तो टेन माइनस टू रूट फाइव बाय सिक्सटीन ये चाहिए मुझे तो साइन स्क्वेर थर्टी सिक्स इज टेन माइनस टू रूट फाइव बाय सिक्सटीन तो अब ये स्क्वेयर का उधर जाके अंडर रूट लगेगा साइन थर्टी सिक्स इज रूट अपॉन में सिक्सटीन का रूट इज फोर अब ये प्लस माइनस की दो वैल्यूज आएंगी फिर मैं लिखूंगा कि थर्टी सिक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू अंडर रूट टेन माइनस टू रूट फाइव बाय फोर अंडर रूट टेन माइनस टू रूट फाइव बाय फोर तो देखो कितना सिमिलर सिमिलर्स है प्लस माइनस के साइंस का पंगा है बस साइन 18 और कॉस 36 देखो प्लस माइनस के साइन का पंगा है कॉस 18 और साइन 36 देखो प्लस माइनस के साइन का पंगा और कुछ नहीं है ठीक है वाओ अब देखो ये तो साइन स्क्वेयर ट्वेंटी डिग्री माइनस साइन स्क्वेयर सिक्स डिग्री तो लेफ्ट हैंड साइड अब साइन स्क्वेयर ट्वेंटी फोर डिग्री माइनस साइन स्क्वेयर सिक्स डिग्री साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी दैट वुड बी साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी तो फॉर्मूला लिख देना आप भाई फॉर्मूला क्या है साइन स्क्वेर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी इज साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी आह 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 तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी तो दैट वुड बी साइन थर्टी डिग्री इंटू साइन एटीन डिग्री अरे वाह साइन थर्टी डिग्री इज हाफ और साइन 18 डिग्री इज रूट फाइव माइनस वन बाय फोर तो रूट फाइव माइनस वन बाय एट इज इक्वल टू आर एच एस हैंस प्रूव्ड वाओ यही तो प्रूव करना था ठीक है चिकू एकदम चिकू अच्छा ओके तो अगेन अगर इसके आगे टू आ जाए और ये दो टर्म्स में एक साथ ले लूं तो ट्वाइस ऑफ कॉज ए कॉज़ बी का फॉर्मूला बनेगा तो आपको क्या लिखना है डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय टू तो ट्वाइस ऑफ cos सेवेंटी एट 42 फोर्टी टू इंटू थर्टी सिक्स डिग्री तो फॉर्मुला लगा देना ट्वाइस ऑफ कॉज ए cos बी कॉज ए प्लस बी तो 78 एट प्लस फोर्टी टू वन प्लस कॉज ए माइनस बी तो 78 एट माइनस फोर्टी टू ओके तो वन बाय टू अब देखो कॉज 120 को आप लिख सकते हो कॉज माइनस सिक्सटी कंप्लीट पाए पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता कॉज का कॉज रहेगा थीटा लेकिन पाए माइनस थीटा सेकेंड क्वारंट है सेकेंड क्वारंट में कॉस् थीटा माइनस होता है तो ये माइनस का आ जाएगा ठीक है अब कॉस सिक्सटी डिग्री क्या होता है भाई वन बाय टू होता है तो कॉस थर्टी सिक्स कॉस थर्टी सिक्स अब अगर मैं चाहूं तो कॉस थर्टी सिक्स डिग्री की वैल्यू पुट कर सकता हूं रूट फाइव प्लस वन बाय फोर कहा गई भाई ये री तो रूट फाइव प्लस वन बाय फोर ओके okay. तो रूट फाइव प्लस वन बाय फोर रूट फाइव प्लस वन बाय फोर एलसीएम ले लेते हैं फोर तो माइनस टू प्लस रूट फाइव प्लस वन अब नीचे आया फोर फोर सिक्सटीन इंटू में टू थर्टी टू ऊपर बना ये पार्ट को मैं लिख सकता हूँ रूट फाइव माइनस वन और इस वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूँ रूट फाइव प्लस वन तो ए माइनस बी और ए प्लस बी तो देट वुड बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर तो रूट फाइव का स्क्वायर इज फाइव तो फोर बाय थर्टी टू ना वन बाय एट इज इक्वल टू आर एच एस हैंस प्रूफ तो वन बाय एट ही तो प्रूफ करना था वाओ चीकू सो चीकू क्वेश्चन अच्छा जी अब अगर आप इसमें एक छोटी सी चीज देखोगे इसको अगर मैं डिग्री में लिखूं तो पाई बाय फाइव कितना होता है थर्टी सिक्स साइन सेवेंटी टू साइन वन जीरो एट और साइन वन फोर्टी फोर तो बेसिकली मुझे ये करना है ठीक है अब देखो इन दोनों का सम 180 बनता है इन दोनों का सम 180 बनता है तो कोई भी दो सॉल्व कर दो लेट मैं ये आखिरी वाले दो कर रहा हूं आप पहले वाले दो भी कर सकते हो ठीक है जी तो लेफ्ट हैंड साइड साइन थर्टी सिक्स साइन सेवेंटी टू इसको आप लिख सकते हो साइन पाए माइनस सेवेंटी टू और साइन पाई माइनस थर्टी सिक्स ठीक है ना भाई तो साइन थर्टी सिक्स साइन सेवेंटी टू अब कंप्लीट पाए पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता एज इट इज रहेगा तो साइन का रहेगा साइन पाए माइनस थीटा सेकेंड क्वार्टर में साइन थीटा विल रिमेन पॉजिटिव सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूं साइन 36 अरे वाह तो ये तो साइन 36 और साइन 72 डिग्री का होल स्क्वायर हो गया अब साइन थर्टी सिक्स क्या है भाई और साइन सेवन देखो साइन सेवनटी टू तो वही होगा जो कॉज एटीन होगा तो साइन थर्टी सिक्स और कॉज एटीन बहुत सिंपल है अब कॉज एटीन और साइन थर्टी सिक्स देख लो भैया ठीक है जी तो ये मैं आपको प्रूफ करके दिखा चुका हूं इसको आप लिख सकते हो साइन 36 डिग्री और कॉस 18 डिग्री है ना यहां पे मैंने आपको सबसे पहले ही प्रूफ करके दिखा दिया था फिर भी मैं दोबारा कर देता हूं तो साइन 90 माइनस एटीन अब साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा आहा 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 तो रूट टेन माइनस टू रूट फाइव बाय फोर इंटू में रूट टेन प्लस टू रूट फाइव बाय फोर स्क्वेयर अब देखो स्क्वेयर करूंगा तो ये वाला पूरा अंडर उठ हट जाएगा तो ये बन जाएगा टेन माइनस टू रूट फाइव और टेन प्लस टू रूट फाइव अपॉन फोर का स्क्वेयर इज सिक्सटीन फोर का स्क्वेयर इज सिक्सटीन अब ऊपर a- माइनस बी और a+ प्लस बी तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेर तो टेन का स्क्वायर इज हंड्रेड माइनस टू का स्क्वायर इज फोर रूट फाइव का स्क्वायर इज फाइव ट्वेंटी सिक्सटीन इंटू सिक्सटीन नॉट दैट्स एट्टी तो दैट वुड बी फाइव बाय सिक्सटीन इज इक्वल टू आर एच एस हैंस प्रूफ बहुत सिंपल क्वेश्चन चिकू क्वेश्चन वाव तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड तो साइन स्क्वेर टू बाय फाइव माइनस साइन स्क्वेयर फाइव बाय थ्री अब इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वेयर पाई बाय फाइव मतलब थर्टी सिक्स इंटू में टू सेवेंटी टू साइन स्क्वेयर सिक्सटी डिग्री अब इसको आप लिख सकते हो साइन सेवनटी टू इज इक्वल टू कॉस एटीन आपको पता है तो कॉज स्क्वेयर एटीन डिग्री है ना भाई अब कॉज 18 डिग्री होता है रूट फाइव प्लस वन बाय फोर नहीं कॉज 18 डिग्री होता है रूट टेन प्लस टू रूट फाइव बाय फोर का होल स्क्वायर और साइन 60 डिग्री होता है रूट थ्री बाय टू का होल स्क्वायर चलो तो कॉज 18 रूट टेन प्लस टू रूट फाइव बाय फोर ठीक है तो स्क्वेरिंग करूंगा ये अंडर उठ जाएगा तो टेन प्लस टू रूट फाइव अपॉन फोर का स्क्वेयर सिक्सटीन दैट वुड बी थ्री बाय फोर तो सिक्सटीन टेन प्लस टू रूट फाइव माइनस ट्वेल्व तो टू रूट फाइव माइनस टू बाय सिक्सटीन टू कॉमन तो दैट इज इक्वल टू रूट फाइव माइनस वन बाय एट विच इज इक्वल टू आर एच एस हैं आह 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 तो ये लास्ट क्वेश्चन था बिल्कुल सही बात है तो ये बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो स्कूल में टीचर्स जनरली करवा देते हैं ट्रिग्नोमेट्री में तो ये हमने ये भी कंसिडर कर लिए हैं बाकी कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके स्कूल में और करवाया जाए और आपको जरा सी भी दिक्कत आए आराम से पूछो हंड्रेड वन परसेंट आपको उसकी वीडियो क्लास जरूर 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 मिलेगी तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल देन बाय बाय कोई नया चैप्टर करेंगे आहा।